जो अपने पार्टी के अंदर दलितों को, गरीबों को बंधुआ मजदूर के तरह रखते हैं, वो आरक्षण की बात करने वाले बेईमानी कर रहे हैं। नहीं, ये फैसला आज का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह, याद कीजिए, एक देश के प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह जी, 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी इसी तरह बनाया था। तेजस्वी यादव को कुछ याद दिलाना जरूरी है, उनके पिताजी मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे। मनमोहन सिंह रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सीधा बने थे। कहां से आए थे, कोई आईएएस आईपीएस थे क्या? लेटरल एंट्री को लेकर बिहार में मचा बवाल। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आपको याद होगा कि 7 अगस्त को यूपीएससी के द्वारा लेटरल एंट्री का एक विज्ञापन जारी किया गया, जिसको लेकर बिहार समेत पूरे देश भर में बवाल मच गया। विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने लगा कि अति पिछड़ा और जो एससी एसटी ओबीसी है, इसका आरक्षण छीनने का काम किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। और अब इसको लेकर सरकार को बैक फुट पर आना पड़ा और इस विज्ञापन पर रोक लगाना पड़ा। और इसी को लेकर अब बीजेपी के बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। साथ ही जो बीजेपी के सांसद है रविशंकर प्रसाद, वो भी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको छोड़े जाते हैं इन तमाम लोगों के बयानों के साथ। तेजस्वी यादव जी बहुत गरीबों के हितैषी हैं, दलितों के, कमजोर तबके के हितैषी हैं। वो घोषणा करें कि जो हम उसके हक को मार रहे हैं, ऐसे मानसिकता के लोग उसके लिए अपने अधिकार को उसके हवाले करेंगे, है हिम्मत? अरे वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कमजोर तबका के दलितों, शोषितों, गरीबों के हित में काम करते हैं। जो अपने पार्टी के अंदर दलितों को, गरीबों को बंधुआ मजदूर के तरह रखते हैं, वो आरक्षण की बात करने वाले बेईमानी कर रहे हैं। नहीं, ये फैसला आज का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह, याद कीजिए, एक देश के प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह जी, 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी इसी तरह बनाया था। कोई आईएएस ऑफिसर नहीं थे मनमोहन सिंह जी, और श्रीमती इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में कई लोग ऐसे आए थे। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई किया। अरे विपक्ष तो बाहर में बैठा है ना, जब वो सरकार में थे तो नहीं किए, ये हमारा कहना है। हमारा सीधा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तो उन लोगों ने इस पूरे फॉर्मूले को अपनाते रहने का काम किया, लेकिन मोदी सरकार ने सभी का सम्मान करते हुए उसको रोकने का काम किया। और कुछ लोग कल बिहार बंद का या देश बंद का अपमान किए हैं। आप सोचिए कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में ये तय हो गया कि हम जो एससी और एसटी वर्ग के, जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया उस पर कोई हम रिवीजन नहीं करेंगे, ये नियम पूरी तरह लागू रहेगा, तो बंद करने का क्या सवाल उठता। जब भारत की सरकार ने तय कर दिया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तय कर दिया कि एससी एसटी के किसी भी मामले में कोई छूने का काम सरकार नहीं करेगी, तो फिर बंदी क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं आज बहुत धन्यवाद दूंगा अपने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, कि बार काउंसिल के अखिल भारतीय अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जो पहले पटना हाईकोर्ट में वकालत करते थे, मनन कुमार मिश्रा जी को राज्यसभा के उम्मीदवार बाई इलेक्शन में नामांकित किया है। वो योग्य व्यक्ति हैं, पार्टी का बहुत बहुत अभिनंदन। तेजस्वी यादव को कुछ याद दिलाना जरूरी है,
उनके पिताजी मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे, मनमोहन सिंह रेवेन्यू सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी सीधा बने थे। कहां से आए थे? कोई आईएएस आईपीएस थे क्या? विजय केलकर बने वित्त सचिव, बाहर से आए थे ना। पूरे कांग्रेस का इतिहास भरा हुआ है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया कहां से आए थे? वित्त विभाग के बड़े बड़े सचिव बने, वो भी बाहर से आए थे। तेजस्वी बाबू थोड़ा होमवर्क करना सीखिए। यहाँ तो हमारे मोदी जी ने स्पष्ट कहा, पिछड़ों के हक पर हम कोई हमला नहीं होने देंगे। उसको कैंसिल किया जो यूपीएससी ने कोशिश की थी। उसी प्रकार से क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहा, ये हमें मान्य नहीं है, एससी एसटी का हम पूरा सम्मान करते हैं। ये मोदी जी हैं। और वैसे क्या आरक्षण पर बोलते हैं तेजस्वी बाबू? आरक्षण का तो एकमात्र लाभ आपके परिवार को मिलता है जहां पर पार्टी की नंबर एक की कुर्सी आरक्षित है। धन्यवाद।